बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, इसका मतलब क्या है, ये क्यों और कहां कहां करते हैं और किस मेथड्स के साथ हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट का मतलब है जहां पे बॉडी में हेयर ज्यादा होते हैं उसको वहां से लेके पेशेंट जहां चाहता है उसके बाल कम है स्पेशली स्कैल्प या बियर्ड में वहां लगा देते हैं। इसमें सबसे पहला मेथड है FUT, फॉलिकल यूनिट ट्रांसप्लांट। इसको हम स्ट्रिप मेथड भी कहते हैं, जिसमें हम स्किन की हेयर के साथ पूरी स्ट्रिप लेके उसमें से हेयर फॉलिकल्स को अलग करके वहां पे लगाते हैं जहां पे पेशेंट को रिक्वायर्ड होता है। इसमें हेयर की पूरी स्ट्रिप ली जाती है जिसमें नंबर ऑफ हेयर फॉलिकल्स ज्यादा होते हैं, जिस वजह से ये मेथड कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन डोनर एरिया में स्कार बनने का खतरा हो सकता है और स्टिचेस की वजह से पेन हो सकती है और रिकवरी भी डिलेड हो जाती है। दूसरा मेथड इसमें है FUE, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन मेथड, जिसमें पंच टूल की मदद से अलग अलग बाल अपनी रूट के साथ डोनर एरिया से लेके रिसिपिएंट एरिया में ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। क्योंकि पूरी स्किन नहीं ली जाती और छोटे छोटे पंच यूज करके हेयर ले जाते हैं, जिसकी वजह से स्कार बहुत कम बनता है और इसमें पेन भी बहुत कम होती है और रिकवरी टाइम भी बहुत कम हो जाता है। लेकिन एक एक बाल पंच करने की वजह से इसमें टाइम ज्यादा लग सकता है, जिसकी वजह से इसमें कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। इसमें रोबोट की सहायता से हेयर को डोनर एरिया से लेके रेसिपिएंट एरिया में लगाया जाता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट की वजह से इसकी प्रिसिशन ज्यादा देखी गई है, लेकिन रोबोट यूज होने की वजह से इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है और इसके रिजल्ट्स भी ह्यूमन एक्सपर्टिस पे ही डिपेंड करते हैं। अब हम बात करेंगे PRP के बारे में, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें पेशेंट का ब्लड यूज करके PRP बनाया जाता है, जिसको हम रिसिपिएंट एरिया पे डाल देते हैं, जिसमें हेयर ग्रोथ होने में हेल्प मिल सकती है। अब लास्ट में हम बात करेंगे बॉडी हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। अगर किसी एरिया में डोनर एरिया जितने बाल नहीं हैं, तो हम किसी दूसरे बॉडी पार्ट से, जैसे कि चेस्ट, लेग्स या बियर्ड से बाल लेके रिसिपिएंट एरिया जहां पे बाल रिक्वायर्ड है FUE की मदद से लगा सकते हैं। इससे नंबर ऑफ हेयर्स बढ़ जाते हैं और चांसेस ऑफ सक्सेस भी बढ़ जाता है। लेकिन बॉडी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टेक्सचर होने की वजह से और अलग अलग ग्रोथ साइकिल की वजह से बाल अननेचुरल दिख सकते हैं। वी होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। काइंडली कंसिडर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।